अब मेरी जान नशे में अपने आप को खुद मुझे सौंप देगी। आखिर कौन थी वो औरत और उस बुजुर्ग आदमी ने उस औरत को नशे की दवा क्यों पिलाई थी और वो औरत नशे की हालत में उस बुजुर्ग आदमी के साथ उस जवान लड़के को क्यों देख रही थी? क्या वो बुजुर्ग आदमी उसका कोई रिश्तेदार था या फिर वो आदमी किसी गलत हरकत के इरादे से उस औरत को अकेला देखकर उसके घर में घुसा था? नमस्कार दोस्तों, मैं साद क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के एक शहर कानपुर। अब हमें कोई नहीं बचा सकता, हम कहीं के नहीं रहेंगे। नेहा, वहाँ क्या है बताइए तो सही। नेहा, पापा आ रहे हैं। यह तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। फिर भी वो हमारे शादी पे नहीं आ पाए। वैसे भी तुम उनके एक लौते बेटे हो, मान गए होंगे, इसीलिए आ रहे। कब आ रहे? क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो मेरे सवालों का? नेहा, तुम मुझसे वादा करो कि जो कुछ मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसे सुनकर तुम मुझसे नाराज नहीं होगी। हुआ क्या है पहले वो तो बताइए। दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था कि पापा हमारी शादी को लेकर हमसे नाराज है। दरअसल सच तो ये कि मैंने बताया ही नहीं कि मैंने शादी कर ली है। क्या? क्यों? अगर वो जान जाएंगे ना कि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की है ना, तो अपनी जायदाद की मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देंगे। और बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है वो तो तुम जानती ही हो ना। हाँ, बट कोई भी माँ बाप बच्चों की खुशी देर सबर एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी कर लेंगे, अब उन्हें सच तो बोलिए। नेहा, तुम पापा को नहीं जानती। वो चाहते थे कि मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी करूँ और अपनी बिरादरी में शादी करूँ। नेहा, और सच कहूँ तो मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे कुछ कह सकूँ। तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ नेहा। तो उसी प्यार के खातिर पापा को सच बोल दीजिए ना। अगर आप पे हिम्मत नहीं है तो
मैं अरे भाई किसकी हिम्मत नहीं है, है? अरे बेटा मुझे क्या अपने घर में आने के लिए अब तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी, और अगर मैं दो दिन पहले आ गया तो बेटा ये पापा ये नहीं है इस घर की नौकरानी। बड़ी संस्कारी नौकरानी है तुम्हारी तो, और इस घर की डेकोरेशन देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि काम चोरी तो बिल्कुल भी नहीं करती होगी ये। एक्चुअली पापा ये कि इसकी माँ यहाँ पर काम करती है, इसके मामा की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी तो वो उन्हें दिखने के लिए गाँव गए, और तब से ये यहाँ पर काम करती है। वो तो ठीक है बेटा, पर इसके पति? ओके बस फेरे भी है मेरा पति, समाज के सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं रखता, पत्नी को पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। तो ऐसे इंसान के साथ रहकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो। पापा आइए आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। लगता है अपने पति से बहुत दुखी है। चल बेटा। मैं समझता हूँ एक शादीशुदा होकर अकेले रहने का दर्द क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नहीं नहीं आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें धन दौलत ऐश आराम सब सुख सुविधाएं मिलेंगी, अब मैं जो आ गया हूँ। नहीं नहीं छोड़िए मेरा हाथ, मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप ऐसे सोच रखते हैं। क्या करारा और गदराया माल है, इसे तो चखना ही पड़ेगा, कितना मजा आएगा इसे चखने में। क्या कर रही हो तुम? तुम इस तरह से मेरा नाम क्यों ले रही हो? अगर पापा ने सुन लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुनने दो उन्हें कि तुम्हारे और मेरे बीच क्या रिश्ता है, पता है तुम्हें उन्होंने क्या किया अभी? ऐसी गंदी हरकत की मेरे साथ। मेरी बात सुनो अब बस कुछ दिन की बात है, उन्हें बर्दाश्त कर लो आप, आई मीन उन्हें हैंडल कर लो बस। मैं पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूँगा, उसके बाद हम अपने रिश्ते की सच्चाई पापा को बता देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पे, तुम ये प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी अनमोल चीज खो दोगे। लालच ही एक ऐसी चीज है जो इस दुनिया में किसी भी हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर सकती है, और यही लालच आज सुधीर की शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने वाली थी। सुधीर जो नेहा का पति था सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में शादी जैसे अनमोल रिश्ते को ठुकरा रहा था, लेकिन शायद सुधीर ये नहीं जानता था कि इस धोखेबाजी और दगाबाजी से क्या उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी मिल पाएगी, और सवाल ये भी है कि क्या हीरा लाल की हवस नेहा को अपना शिकार बना पाएगी। आइए देखते हैं। कमर में बहुत दर्द हो रहा है,
नेहा, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बुलाओ क्या? नहीं नहीं, बस तुम ही थोड़ी सी मालिश कर दो, ठीक हो जाएगा। क्यों, तुम नहीं कर सकती क्या? उन्हें बर्दाश्त कर लो, आई मीन उन्हें हैंडल कर लो। बस मैं पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा, उसके बाद अपने रिश्ते की सच्चाई पापा को बता देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जी हाँ, क्यों नहीं, प्लीज आओ जल्दी। हाँ बेटा, तू लाओ ऊपर। अब पहले से आराम है। ये इतने पैसे हैं कि अगर तू एक साल भी कुछ काम नहीं करेगी ना, तो भी ऐशो आराम की जिंदगी जी सकती है। जा ऐश कर। नहीं, नहीं। इनफैक्ट शे वाली दवाई मैंने हिला कर दी थी। मुझे माफ कर दो नेहा, आई प्रॉमिस कि आज के बाद वो दोबारा कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तुम्हें पता है कल वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने वाले हैं। बस नेहा, एक बार वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए ना, उसके बाद हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। पर कल सुबह तक, जब तक वो प्रॉपर्टी मेरे नाम ना कर देना, तुम्हें नौकरानी बन के रहना होगा। एक बार वो प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी ना, तुम फिर से इस घर की रानी बन जाओगी नेहा। अब समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जैन सर जी, मैं मंत्री जी की सिक्योरिटी के लिए आज रात को एक टीम भेज रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, सभा में कल कोई भी हंगामा नहीं होगा। जी सर, जय हिंद। क्या हुआ है आपको? ये कहाँ मिला आपको और हुआ क्या है आपके साथ? क्या पता भी आप क्या कह रही हैं? होश में तो हैं? हाँ, पर होश मुझे बड़ी देर बाद आया। आप कहना क्या चाहती हैं? अपने बाप से प्रॉपर्टी पाने के लालच में कमीने ने मेरी
इज्जत लुटवा दी। इंसाफ मांगा मैंने मेरे पति से, पर वो बुजदिल मेरा ही सौदा करने का, वो मुझे क्या इंसाफ दिलाता था। इसलिए मैंने पापा। अरे हाँ बेटा, बेटा एक बात बतानी थी। ये जो तूने मुझे नौकरानी परोस कर दिया ना, सच बोलूं मुझे ऐसा लगता है कि मैंने चारों धाम की यात्रा कर ली। पर एक बात बता, तू ऐसा गदराया हुआ करारा माल ढूंढ कर कहां से लाया है? पापा एक बात बोलूं, हाँ जब आपने घर में अपना पहला कदम रखा था ना, हाँ पर आपने इसको देखा था, आपकी नजरें उसके ऊपर गई, तभी मैं समझ गया था कि आप क्या सोच रहे हैं। और तभी तो जब वो पेड़ों में पानी डाल रही थी, मैंने तो आपको भेजा था ना वहां पर। बर्दाश्त कर लो आप, आई मीन उन्हें हैंडल कर लो बस। मैं पूरी कोशिश करके बहुत जल्दी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लूंगा, उसके बाद हम अपने रिश्ते की सच्चाई पापा को बता देंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बेटा एक बात बोलू, अगर मैं अपनी मर्जी से भी तुम्हारी शादी करवाता ना, तो बेटा ढूंढ कर तेरे लिए ऐसी ही बीवी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे हाँ, वो तू क्या कह रहा था कि ये गरीब है, पति ने इसे छोड़ दिया है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैंने इसके जिस्म के इतने पैसे दिए, तू चिंता मत कर, बहुत पैसे दिए। ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि आप खुश तो हैं ना? अरे बेटा मैं बहुत खुश हूँ। तो जैसा आपने कहा था कि कल सुबह होते ही सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, आपको याद है ना पापा? अरे क्यों नहीं, तू मुझे जानता नहीं, मैं जो वादा करता हूँ मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। कल सुबह सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम, मैं सुबह साइन कर दूंगा। जा, आई लव यू पापा, लव यू, आई लव यू, खुश रह, जा, लव यू पापा, लव यू टू। नेहा, नेहा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ नेहा। तुम्हें पता है जिस दिन का मैं समय से इंतजार कर रहा था ना, उस दिन आ गया। कल सुबह होते ही पापा सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देंगे, हमारी जिंदगी बदल जाएगी ना। कल किसने देखा उसे? क्या बोलते? I love you नेहा। तुम्हारा ससुर? बहू की इज्जत लूट ली, गलती होगी इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर इस मार का दर्द तो ये बर्दाश्त कर लिया शायद, पर जो घाव मैंने इस हैवान को दिया है, पर वो जख्म नासूर बन जाए। मैंने मार दिया अपने पति को।
लेके चलो इसे। लालच की इस आग ने एक सीधी साधी गृहिणी को कातिल बना दिया, और सुधीर जिसने अपनी ही प्रॉपर्टी पाने के लिए अपने ही पिता से इतना बड़ा झूठ बोला, आखिर उसे क्या मिला? और हीरालाल की हवस की भूख उसकी बाकी की जिंदगी को सलाखों के पीछे ले गई। इसलिए दोस्तों आपसे इल्तिजा है कि रिश्तों की मर्यादा को समझें और उनका आदर करें। तो मैं साथ अब आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना पसंदीदा शो देखते रहिए क्राइम सीरीज, और एक बात को हमेशा याद रखिए, ना क्राइम करें और ना ही उसे बर्दाश्त करें।